गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉगरिदम। पिछले लेक्चर्स तक में हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी और प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम उस प्रॉपर्टी के ट्रेंड को ख़त्म करने वाले हैं। आज हम जितनी भी प्रॉपर्टी है लॉगरिदम की, 3-4 प्रॉपर्टीज और बची हैं, उनको आज खत्म कर लेंगे समझ के, उनका प्रूफ देख के, और उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बाबू देखो, होता क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं तो आपका माइंड उस टॉपिक पे कंसंट्रेटेड होता है, जिसके वजह से वो क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनते हैं। लेकिन जब कभी भी हम स्विचिंग लाते हैं दिमाग में, यानी कभी उस प्रॉपर्टी का, कभी उस प्रॉपर्टी का, कभी इस प्रॉपर्टी का, कभी 2-3 प्रॉपर्टी को मिला के, जिसको ब्लेंडिंग कहते हैं या आप मिसलेनियस क्वेश्चंस कहो, तो उससे असल चीज़ें निखर के आती है। एप्लीकेशन दिमाग का तब बढ़ेगा जब आप मिसलेनियस क्वेश्चन पर फोकस करोगे। तो मोस्ट प्रोबेबली लॉगरिदम में आज हम इसकी पूरी प्रॉपर्टी को डील कर लेंगे, और तब हम लोग आज से ही अपने ढेर सारे क्वेश्चंस जो मिसलेनियस होंगे उनको करना स्टार्ट करेंगे। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने क्वेश्चंस मैं कराऊं उनको आप अभी क्लास में तो समझो ही, खुद से ट्राई करो ही, बट उसके साथ साथ आपको उन्हीं क्वेश्चंस को घर पे जाके एक बार फिर रिवाइज करना है, और जो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिले, जो आपको असाइनमेंट्स मिले, उन असाइनमेंट्स को भी बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने बच्चों से इस चीज़ को जुड़वा सकते हो, राइज एकेडमी के चैनल को जोड़ सकते हो, जोड़ो। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11th का टॉपिक, है ना। देखो बच्चों, अभी जो हम तुम लोग को रूल बताने वाले हैं, इस रूल को कहा जाता है बेस चेंज रूल। क्या कहते हैं बच्चों बताओ? बेस चेंज रूल कहते हैं इसको, है ना। सर क्या है बेस चेंज रूल? कहता है सर कि मान लीजिए log m टू दी बेस a कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को ये a बेस नहीं चाहिए, हमको a के जगह बेस चाहिए c, a नहीं चाहिए बल्कि c चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं log m टू दी बेस b। लेकिन जब हमने अपने मन से यहाँ पे बेस चेंज कर दिया, तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए हमको इसको डिवाइड करना होता है। ये वाला बेस जो है वो अब a में चला जाएगा और बेस b रह जाएगा, ऐसे। यानी log m टू दी बेस अगर a लिखा है तो आप इस चीज को लिख सकते हो log m टू दी बेस b डिवाइडेड बाई log a टू दी बेस B। समझ रहे हो मेरी बात को? ये हमारा प्रॉपर्टी है बेस चेंज रूल का, ठीक है। जैसे अब समझो थोड़ा सा, हम इसको एग्जाम्पल से यानी इसकी भावार्थ समझाने की कोशिश कर दें। जैसे मान लो लिखा हुआ है log 5 टू दी बेस 10, है ना। अब आपको ये log 5 टू दी बेस 10 में बेस 10 नहीं पसंद है, आप यहाँ पे बेस 10 के जगह 5 बेस लाना चाहते हो, तो आप इसको लिख सकते हो log 5, है ना। उसके बाद नीचे लिख दो log 10। अब तुमको जो भी बेस पसंद है, तुम यहाँ पे कौन सा बेस लाना चाहते थे, 5, तो अपने मर्जी से यहाँ 5 लिख दो, यहाँ भी 5 लिख दो, दोनों बातें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दोनों चीजें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एक और इलस्ट्रेशन समझो, बहुत जरूरी है इलस्ट्रेट करना, भावार्थ समझना बहुत जरूरी है। मान लो लिखा हुआ है log x टू दी बेस y, तुमको नहीं पसंद है log x टू दी बेस में बेस y नहीं पसंद है तुमको, तुम यहाँ पे कुछ और बेस लाना चाहते हो, तो ऊपर लिखो log x और नीचे लिखो log y। अब यहाँ पे तुम जो भी बेस इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दो। मान लो तुमको z इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे भी z इंट्रोड्यूस कर लो, दोनों बातें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब जरा इसका प्रूफ इलस्ट्रेशन समझ गए, समझ रहे हो ना, इसको बेस चेंज रूल कहते हैं। अगर आपको बेस बदलना है तो आप इस तरीके से बेस को बदल सकते हैं, ठीक। जैसे एक और इलस्ट्रेशन देख ही लो, मान लो लिखा हुआ है log 16 टू दी बेस 2, अब तुम चाहते हो कि बेस 4 रहे, 2 ना रहे, ठीक है, तो चलो इसको लिख सकते हैं log 16 बाई क्या बताओ बताओ log 2, और अपने मन से यहाँ पे क्या बेस लगा देंगे, 4, और अपने मन से बेस 4। अब जरा देखते हैं कि LHS बराबर RHS आता है कि नहीं, ठीक। तो बताओ log 16 टू दी बेस 2, ये हमारा LHS है, तो मेरे LHS का वैल्यू आ जाएगा 4, आएगा ना। अब हम RHS में देखते हैं 4 आता है कि नहीं। जैसे ही हम RHS साइड में आए मेरे प्यारे बच्चों,
log 16 टू दी बेस 4 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और log 2 टू दी बेस 4 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 का 2 ऊपर जाएगा, बोलो क्या आ गया, LHS बराबर RHS। तो ये सिंपल सा तुमको हमने बताया एक क्या भावार्थ, मतलब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। एक बार इसको उतारो, फिर इसके प्रूफ को भी देखते हैं कि इसके प्रूफ को हम आगे लेके कैसे चल सकते हैं। चलो इसको जल्दी इसको उतार लो बच्चों। ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए आपको, इन एग्जांपल्स को उतारो एक बार। आ जाओ, अब जरा हम लोग इनका प्रूफ देख ले, एकदम ध्यान से देखना कि इसके प्रूफ को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो ऐसा लेट कर लो कि log m टू दी बेस a जो है वो x है, ठीक है। तो यहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी a पर पावर x, मान लो इसको इक्वेशन 1, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर हम लेट कर लें log m टू दी बेस b को y, है ना, तो हमारे पास अगेन m की वैल्यू मिल जाएगी b पर पावर y, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2, ठीक है। अगेन अगर मान लो हम लेट कर लेते हैं log a टू दी बेस b इज इक्वल टू z, है ना, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी b पर पावर z, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब क्या करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, जो ए की वैल्यू कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 से ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो। जब आप ऐसा करोगे मेरे बच्चों, 3 से 1 में जब वैल्यू रखोगे तो आपको m बराबर मिलेगा, a की जगह पे लिख दोगे b पे पावर z और पहले से x है, तो आपको m बराबर मिलेगा b पे पावर zx। अब देखो इस m को b पे पावर y भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 b पर पावर y इज इक्वल टू b पर पावर zx, तो बी बी हटा यानी वाई इज इक्वल टू जेड एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई जेड हो गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई बाई जेड। अब बताओ तुमने एक्स किसको माना था, तुमने एक्स माना था लॉग एम टू दी बेस ए को, तुमने वाई किसको माना था लॉग एम टू दी बेस बी को, और तुमने जेड किसको माना था लॉग ए टू दी बेस बी को। तो क्या ये चीज प्रूफ हो गया, आ गया इसका प्रूफ, बस यही सिंपल सा इसका प्रूफ है, ना इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है, सिंपल सा प्रूफ आ गया, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों इसको। अब देखो इसी बेस चेंज रूल से बहुत छोटे छोटे रूल्स और बन के आ गए, यही बेस चेंज रूल एक दो और छोटे छोटे रूल्स बना दिया। जैसे हम इसी को लिख सकते हैं, इसको जला के मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख दिया हमने, log m टू दी बेस a इंटू log a टू दी बेस b, है ना। तो देखो क्या हुआ, a a कट गया और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल गया, log m टू दी बेस b मिल गया। आ रही है ना बात समझ में, हमने कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो a a देखो अपने आप कट गया और log m टू दी बेस इधर बच गया। तो इससे हमने एक रूल बना लिया और इस रूल को हमने कह दिया चेन रूल। क्या कह दिया बताओ, चेन रूल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा होता है, ऐसा चेन बनता है log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस c इंटू लॉग सी टू दी बेस डी इंटू एक और ले लेते हैं लॉग डी टू दी बेस ई। अब देखो कितना मजा आएगा, यहां बी बी कटेगा, सी सी कटेगा, डी डी कटेगा, कौन कौन बच गया, ए और ई, तो फाइनल आंसर हो जाएगा लॉग ए टू दी बेस ई। अरे ये बात समझ में, तो इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल, कह लो तुम्हारी मर्जी, तुम चेन रूल कह लो, जो मन सो कह लो, ठीक है, या कुछ मत कहो, बस दिमाग में रखो। क्या होगा, बी बी कटेगा, सी सी कटेगा, डी डी कटेगा, क्या बच जाएगा, ए और ई बच जाएगा, इसी के बेसिस पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये रूल समझ आया, जैसे समझो एक छोटा सा क्वेश्चन समझाते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है लॉग 8 टू दी बेस 2 इंटू log 2 टू दी बेस 4 इंटू log
4 टू दी बेस 64 और आपसे पूछा जाए बताओ वैल्यू क्या होगा, तो बच्चे देखो क्या करेंगे, दो दो काटोगे, चार चार काटोगे, आ जाएगा log 8 टू दी बेस 64। यहाँ से 64 पे कितना पावर दोगे कि 8 आना चाहिए, तो 1/2 नहीं इस फॉर्मूले से। और अगर ऐसे देखो तो log 8 टू दी बेस 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा, 2 टू दी बेस 4 क्या हो जाएगा, 1/2, और 4 टू दी बेस 64 क्या हो जाएगा, तो 64 पे कितना पावर दोगे, 1/3 पावर दोगे। तो ये देखो दोनों कट गया, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से वो कटते चला जाता है, ए देखो बी बी कटेगा, सी सी कटेगा, डी डी कटेगा, ए और ई बच जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल रूल है। अब यहीं से एक छोटा सा बात और निकाला गया, कहा गया तब तो सर जी अगर log m टू दी बेस a है, अगर हम इसको log a टू दी बेस m से गुना कर दें, इसी को पलट दें, तो a a कटेगा और सिर्फ बचेगा log m टू दी बेस m जिसकी वैल्यू होती है 1। जी हाँ ऐसा होता है। तो एक रूल हम लोग और लेके आ गए कि अगर कहीं लिखा है log m टू दी बेस a और आपको a को ऊपर ले जाना है और m को नीचे, तो 1/log a टू दी बेस m लिख दो। ये दोनों बातें सेम होती है, क्योंकि जब इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे, यहां देखो यहां, तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, तो क्यों नहीं इसको ले जाके डिवाइड मार दे। तो log m टू दी बेस a को लिखा जा सकता है 1/log a अपॉन b a टू दी बेस m। जैसे समझो, जैसे यहां पे भी एक एग्जांपल समझ लो, एक और एग्जांपल इसका समझ लो। अगर मान लो हम आपसे पूछें कि log 3 टू दी बेस 2 को क्या लिख सकते हो, तो आप आराम से कह सकते हो 1/log 2 टू दी बेस 3, इसको पलट देना है, ठीक। इसी तरह एक और समझो, फोर्थ नंबर, मान लो हमसे कोई पूछे 1/log 5 टू दी बेस 10 क्या होगा, तो हम इसको पट से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा log 10 टू दी बेस 5। दोनों बातें क्या है, सेम है, यानी अगर हम इसको पलटेंगे तो 1/ लग जाता है। क्लैरिटी है, बस सबके सब बेस चेंज रूल से ही ड्राइव्ड होके आए हैं, ठीक है। तो इन सब को एक जगह उतार लो और उसके बाद हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। एकदम बढ़िया से पढ़ना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बात आप लोग बार बार समझने की कोशिश करिए, जेई एडवांस बैच में आप जाने वाले हो, ठीक है, और चीज़ें अब धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगी, अब चीज़ें रुकेंगी नहीं। अब मैं कोई नहीं रुकने वाला अभी आपको लेके कि हाँ चलो ठीक है, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो एकदम मस्ती से पढ़ते रहो, ठीक है, बिना समय को बर्बाद किए हुए। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट बातों पर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ों पर अमल करते हैं। अगला जो रूल है बच्चों, वो देखो क्या है, वो कहता है कि अगर a के ऊपर पावर है log b टू दी बेस c, समझना मेरी बात को, हमने a के ऊपर पावर कर दिया log b टू दी बेस c, तो कहता है कि ये b और a अपना जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, ये b a की जगह पे चला जाएगा और a b के जगह पे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा b पे पावर log a टू दी बेस c। ऐसा हो सकता है, ये ऐसा किया जा सकता है, कैसे सर, आप कहना क्या चाहते हो। तो जैसे समझो, अगर मान लो कहीं लिखा है 2 पे पावर 10 टू दी बेस 5, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर log 2 टू दी बेस 5, ऐसा हो सकता है, ये 2 और 10 अपना जगह इंटरचेंज कर सकता है। मतलब सर अगर आप कह रहे हो कि कहीं लिखा हुआ है 3 पे पावर log 5 टू दी बेस 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर log 3 टू दी बेस 9। जी हाँ आप एकदम लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर एक बार इसका प्रूफ दे दो, आ जाओ इसकी प्रूफ भी देख लेते हैं। चलो बच्चों आओ मान लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, a पे पावर log b टू दी बेस c लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब हम क्या करते हैं समझना, हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि log b टू दी बेस c जो है, यानी ये ऊपर वाला, ये x है, ठीक है। तो अगर हमने इसको x मान लिया तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी c पर पावर x, कोई दिक्कत है क्या, b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बताओ, c पे पावर
एक्स हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब हमने इसको एक्स माना तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए पर पावर एक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना, ए पर पावर एक्स हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये तो आपका ए पर पावर एक्स हो जाएगा, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अच्छा अब हमको क्या करना है सर, हमको बी के ऊपर पावर लगाना है। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, जैसे ही तुमने इसको बी माना ये एक्स हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, और ए पे पावर एक्स हो गया आपका ये। अब हमें ए पे पावर एक्स को लेके आगे बढ़ना है। चलिए तो इसको यहीं छोड़ते हैं, अब आते हैं अगला, लॉग ए टू द बेस सी को मान लो वाई। लॉग ए टू द बेस सी को क्या मान लोगे? वाई। तो यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी सी पर पावर वाई, समझ रहे हो, सी पर पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम जरा बात करते हैं आगे की चीज को। सर यहाँ ए पे पावर सी, ए का वैल्यू सी पे पावर वाई हो गया और यहाँ ए पे पावर एक्स दिया हुआ है, तो इस ए पे पावर एक्स को हम लिख सकते हैं सी पर पावर वाई और फिर एक्स, ये हो जाएगा ए पे पावर एक्स मेरा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सी पर पावर एक्स वाई इज इक्वल टू ए पर पावर एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, एकदम ध्यान समझना, ए पे पावर एक्स को हम नहीं लिख सकते हैं सी पर पावर, क्योंकि ए की जगह हमने सी पे पावर वाई रख दिया, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है सी पर पावर एक्स पे पावर वाई और ये हो जाएगा ए पर पावर एक्स, ठीक है। चलो बताओ सी पर पावर एक्स, सी पे पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, बी, तो हम लिख देंगे बी और वाई की जगह लिख देंगे वाई, ए की जगह ए और ए पे पावर एक्स। तो बताओ बी पर पावर वाई इज इक्वल टू ए पर पावर एक्स, आ गया ना अपने आप ये चीज सॉल्व होके आ गया। चलो देखते हैं, ए तो ठीक है, एक्स किसको माने थे, लॉग बी टू दी बेस सी को, तो लिख देंगे लॉग बी टू दी बेस सी, और बी तो बी ठीक है, वाई किसको माने थे, लॉग ए टू दी बेस सी को, लॉग ए टू दी बेस सी। तो बोलो पलटी पलटा हो गया, होगा ना पलटी पलटा, तो सिंपल है। हमने क्या किया सर, इस पावर को हमने एक्स माना, वहां से बी निकल गया सी पे पावर एक्स, फिर हमने ए पे पावर सी को वाई माना, वहां से ए निकल गया सी पे पावर वाई, ठीक है। इसको हटा देते हैं, है ना, और ए पे पावर एक्स को तब हम लिख सकते हैं सी पर पावर वाई पे पावर एक्स, तो हो गया सी पे पावर एक्स वाई, एक्स अंदर किए वाई बाहर किए, ऐसा हो गया। सी पे पावर एक्स को बी लिख दिए, बी पे पावर वाई ए पे पावर एक्स के बराबर, तो ए को ए रहने दिए, एक्स को रिप्लेस कर दिया, बी को बी रहने दिए, वाई को रिप्लेस कर दिए। ये चीज हमारे पास क्या आ गया, प्रूफ होके आ गया, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दोनों अपने पोजिशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये भी एक बहुत ही रिमार्केबल रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। चलो इसको भी उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो बच्चों। बेटा रूल याद करना बहुत जरूरी है, आपको सारे के सारे प्रॉपर्टीज दिमाग में होने चाहिए, और उसको दिमाग में रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको प्रूफ करते चलो, है ना। चलो एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, सबसे अंतिम प्रॉपर्टी है ना, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गया, क्या आ गया, लॉग एम टू द बेस ए, अगर ए पर पावर अल्फा है। याद करो पहले m पे पावर अल्फा हुआ करता था तो ये अल्फा कूद जाता था, अब a पर पावर अल्फा है तो क्या होगा, इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन लॉग a पर पावर अल्फा टू दी बेस m। अब ये अल्फा कूद के हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा लॉग a पे पावर m। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा अलग कर लो और इसको लिख दो 1 अपॉन लॉग a टू दी बेस m। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन अल्फा पलट दो लॉग m टू दी बेस a। अच्छा मतलब अगर नीचे पावर होगा तो नीचे जंप करेगा, ऊपर पावर होगा तो ऊपर जंप करेगा। मेरे कहने का मतलब इस एग्जांपल से समझो, अगर कहीं लिखा हुआ है 2, 3 पे पावर 4 तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 लॉग 2 टू दी बेस 3, है ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 6 टू दी बेस 7, यहां पे पावर है 3 तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 log 6 टू दी बेस 7, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, समझना मेरी बात को, थर्ड log 28 7 पे पावर 4 तो आप इसको लिख सकते हो 1/4 log
28 to the base 7, यानी अगर नीचे होगा तो डिनोमिनेटर पे जंप करके जाएगा, 1/1 हो जाएगा, और अगर ऊपर होगा तो न्यूमरेटर पे जंप करेगा और दैट α/1 हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हल्का फुल्का बात है, है ना। चलो इसको उतार लो विथ प्रूफ उतार लो, और तब अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस पे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके छोटी छोटी बातें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले इसको उतार लीजिए, चलिए जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। चलो अब जितने भी रूल हैं लॉगरिदम के, मैक्सिमम रूल्स आपको बता दिए गए। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सिखाई जाएगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऐसे आ जाओ, पहला क्वेश्चन हम तुमको एकदम बिगिनिंग से दे रहे हैं, एकदम छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं। कहता है कि इफ लॉग बी टू द बेस रूट अंडर 8 बराबर है 3 whole 1/3 के, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। आपको बी की वैल्यू निकालनी है, एकदम आराम से देखना है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सर जी कैसे स्टार्ट करें सॉल्यूशन करना, बहुत बच्चे इसको बना भी लिए होंगे, उनको पता भी हो गया होगा। क्या लिखेंगे वो, लॉग बी टू द बेस रूट 8 इज इक्वल टू 10/3, ये आ गया। नहीं, इसको 10/3 लिख सकते हैं, लॉग पे डंडा गिरा है, बी की वैल्यू हो गई रूट 8 पे पावर 10/3, तो बी की वैल्यू हो गई 8 पे पावर 10/6। अब इसको लिखा जा सकता है, बी को लिखा जा सकता है, 8 को लिखो 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसको कर देंगे क्या, इसको कर देंगे 1/6। तो भैया इतना तो है कि 6 तो बाहर आ जाएगा, 4 6 मिल के 1 तो 8 बाहर आ गया। अब अंदर हो गया 1 2 3 4 8, 4 8 का मतलब है 2 पे पावर 3 यानी 2 पे पावर 12 पे पावर 1/6, तो ये हो जाएगा 8 × 2 पर पावर 2 यानी 8 × 4 = 32। तो बताओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग किया, ये सबसे बनना चाहिए था, सबसे बना भी होगा। इसको उतार लो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक शब्द आना रहने दो, दूसरे क्वेश्चन का भी जगह है बच्चों, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको x निकालना है। क्वेश्चन क्या है, देखो कहता है कि इफ y इज इक्वल टू 2 पे पावर 1/log 4 to the base x, ठीक है, तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है। अब देखो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको अपना मेथड, सॉरी लाइट कट गया आ जाएगा अभी, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी टॉपिक पे आपको अपना कमांड बनाना है, तो जो भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसको सबसे पहले 3 मिनट आप अपने से बनाइए। जब 3 मिनट आपसे बन जाएगा, उसके बाद बने ना बने अलग बात है, कोशिश करो, जब नहीं बनता है तब फिर सॉल्यूशन को देखो तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ रहे हो। तो पहले 3 मिनट इसको कोशिश करो, उसके बाद हम लोग आगे का काम स्टार्ट करेंगे। जल्दी करिए कोशिश फटाफट, अगर दिख रहा है तो अभी से करो, ना तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड रुको, तुरंत अभी लाइट आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी लाइट अभी, है ना। चलिए जो बच्चे इसको कोशिश कर लिए काफी अच्छा, जिनसे नहीं बना वो प्लीज यहां ध्यान दो, और जिनसे बना वो भी ध्यान दो, हो सकता है कुछ नया मेथड सीख जाओ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि हमारा जो y है वो 2 के ऊपर पावर है 1/log 4 to the base x, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहां पे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि p बराबर log, आई मीन 1/log 4 to the base x, p मान लेते हैं, जो ऊपर पावर है ना 2 के ऊपर, उसको p मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या कह सकते हैं कि 2 पे पावर p इज इक्वल टू y। अच्छा बताओ ये किस रूप में लिखा है,
एक्सपोनेंट के रूप में लिखा है। इसको किस रूप में बदल देते हैं? इसको बदल देते हैं लॉग में। जैसे ही लॉग में बदलोगे तो p बराबर हो जाएगा लॉग y टू द बेस 2, ठीक है, लॉग y टू द बेस 2। अच्छा बताओ p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू यहां लिखा हुआ है, क्या है बताओ? 1 बटा लॉग 4 टू द बेस x इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस 2। यहां तक की बातें समझ आई? चलिए सर, ये जो 1 बटा है इसको हटाने के लिए हम इसको पलट देते हैं तो हमारे रूल के हिसाब से log x टू द बेस 4 हो जाएगा, x ऊपर 4 नीचे, और ये बराबर हो जाएगा log y टू द बेस 2 के। ठीक है, आपको ये भी पता है सर कि यहां हम लिख सकते हैं log x, 4 को लिखा जा सकता है 2 पर पावर 2 और इस log को log y टू द बेस 2। चलो बताओ ये 2 नीचे है तो नीचे आएगा, तो 1/2 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू लॉग वाई टू द बेस 2, है ना। ये 1/2 जब इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग वाई टू द बेस 2। आप जानते हैं ये 2 इसके ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? पावर। तो हमारे पास मिल गया log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log y स्क्वायर टू द बेस 2। अब log 2 log 2 यहां से हटेगा और हमारे पास अल्टीमेट आ जाएगा x इज इक्वल टू y स्क्वायर। समझ गए बात को, दूसरे नंबर क्वेश्चन को? तो x इसका आंसर क्या आएगा सेकंड वाले का? x इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू क्या हो गई? y स्क्वायर के बराबर हो गई। ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है। ठीक है, चलो पहले इसको उतारो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करें बच्चों। तो अल्टीमेटली 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने देखे, ये सब बाबू मिसलेनियस हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, पहले प्रॉपर्टी से हो सकते हैं, आखिरी प्रॉपर्टी से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखो एक और क्वेश्चन तुमको हम दिखाते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। कहता है इफ एन इज ग्रेटर देन 1 देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है? 1/log एन टू द बेस 2 प्लस 1/log n टू द बेस 3 प्लस 1/log n टू द बेस 4, ऐसे करते करते लास्ट में गया 1/log n टू द बेस 53। बोला कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये होगा 1/log n टू द बेस 53 का फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब तुम लोगों को पहले मैं समझा दूं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तब ये क्वेश्चंस बनाने में आपको आसानी होगी। तो जरा यहाँ ध्यान से देखो, हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, है ना, फैक्टोरियल क्या होता है। तो इतना जानो इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ना है हम लोग को। एक चैप्टर आएगा हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसको लेके हम इसको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं इस चीज़ से, एक्सक्लेमेटरी साइन। देखो यहाँ बना होगा 53 पे ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ है, इस एक्सक्लेमेटरी साइन से हम फैक्टोरियल समझ जाते हैं कि फैक्टोरियल है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2 एक्सक्लेमेटरी, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 2। क्या मतलब है बताओ? फैक्टोरियल 2। अगर कहीं लिखा हुआ है 3 एक्सक्लेमेटरी, इसका मतलब है फैक्टोरियल 3। अब ये है क्या फैक्टोरियल? तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1, अगर कहीं 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब हो गया 4 × 3 × 2 × 1, अगर कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा है तो मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी n फैक्टोरियल को डिफाइंड किया गया है n, फिर उससे 1 कम, फिर उससे 2 कम, फिर उससे 3 कम, ऐसे करते करते लास्ट में 3 × 2 × 1 हर के देखो लास्ट में 3 × 2 × 1 3 × 2 × 1 आता है। तो इस तरीके से हमको फैक्टोरियल डिफाइंड होता है। यानी अगर यहाँ पे 53 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या है? 53 × 52 × 51 × 50 × 3 × 2 × 1, यही ना होगा 52 का फैक्टोरियल का मतलब। तो समझ गए इस चीज को, इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट को इजी वे में लिखना क्या होता है? फैक्टोरियल हो जाता है। तो भैया समझो इस चीज को, आपको इसके बराबर प्रूफ करनी है। कॉन्सेप्ट पता फैक्टोरियल का? एक बार कोशिश करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चल
मैं इस फैक्टोरियल को मिटा रहा हूं, आप उतार लेंगे। देखो वन अपॉन लॉग एन टू द बेस को लिखा जा सकता है लॉग टू टू द बेस एन, फिर लिखा जा सकता है लॉग थ्री टू द बेस एन, फिर लिखा जा सकता है लॉग फोर टू द बेस एन, टक 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 लास्ट में लॉग 53 टू द बेस एन। अब बताओ मेरे भाई साहब इन सब का बेस क्या है, एन है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग एन लगा दो, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टक 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 कहाँ तक, 53 तक। मेरे भाई इसको 53 गुने 52 गुने 51 गुने 50 गुने ऐसे भी तो पढ़ सकते हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया log 53 फैक्टोरियल टू द बेस n, और इसी को लिखा जा सकता है 1 अपॉन log n टू द बेस 53 फैक्टोरियल। बोलो प्रूव्ड हो गया, आ गया LHS बराबर RHS। तो देखो देखने में कितना भयावह लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन देखो तुरंत बन गया। तो लॉगरिथम यही है, ये क्या करता है कि आपको एक्सप्लेन करता है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को दिखाएगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर रूल लगाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और ये इसीलिए जरूरी है ना बच्चों, क्योंकि आगे इसका नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छा खासा यूज है, खास करके एडवांस के लिए तो अच्छी बात है, इसको आना बहुत जरूरी है। ठीक, तो एकदम आराम से इसको समझिए, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगी, हर जगह आएगा, है ना। चलो मिटा दें इसको, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, x बड़ा है, x बराबर है log 5 टू द बेस 3 के, और y बराबर है log 25 टू द बेस 17 के। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, x बड़ा है कि y बड़ा है, ये हमें पता लगाना है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, x बड़ा कि y बड़ा, यही पता लगाना है। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीका है सॉल्व करने का। सर जी अगर हम बात करें x की, तो मेरा x है log 5 टू द बेस 3, अगर हम इसको 1 बटा x लिख दे तो ये हो जाएगा 1 बटा log क्या, बताओ बताओ बताओ, 3 टू द बेस 5, सिंपल सी बात है। तो इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, इक्वेशन 1 है ना। नेक्स्ट आओ, हमारा जो y है बालकों वो है log 25 टू द बेस 17, तो अगर हम इसको 1 बटा वाई लिख दें तो ये हो जाएगा 1 बटा लॉग 17 टू दी बेस 25, है ना। इसको 1 बटे वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन, मैंने ऐसे समझो ऐसे, ट्वाइस ऑफ लॉग 17 टू दी बेस 5। कैसे, ये जो 25 था इसका 2, 1 बाई 2 हुआ, 2 ऊपर चला गया, ऐसे लिखा जा सकता है। सिंपल बात है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम कंफर्म केस है कि भैया इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, 17 टू दी बेस है। अच्छा अब बताओ मेरे को, एकदम सिंपल सा बात बताओ मेरे बच्चों, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि जो log 3 टू दी बेस 5 है, log 3 टू दी बेस जो 5 हो गया, और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं log 17 टू दी बेस 5, इनमें से कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, है ना, ये बड़ा है। लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे log 3 टू द बेस 5 का, और इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करने पे साइन बदल जाता है, तो ये बड़ा आ जाएगा। लेकिन जब जब हम इधर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तब पता चलेगा कि ओ ये तो उल्टा हो गया, ये बड़ा आ गया। लेकिन जब हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, ये बड़ा हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ log 17 टू दी 5 बड़ा हो जाएगा। और जब ये बड़ा हो जाएगा मेरे बच्चों मेरे प्यारे बालकों, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा, यानी 1 अपॉन x छोटा है 1 अपॉन y से, तो अगर इसको पलट देंगे तो x बड़ा हो जाएगा y से। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, समझ रहे हो बात को। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, हमारा x बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। थोड़ा दिमाग लगता है इन सब क्वेश्चंस पे, ऐसे ही नहीं बनेगा। ठीक है चलो इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। हम्म,
हमने बोला है बाबू कि आज मिसलेनियस क्वेश्चन है, बहुत भयानक भयानक क्वेश्चन से आपका सामना पड़ेगा। और अभी ये तो कुछ नहीं है भाई, अभी तो पहला दिन है मिसलेनियस क्वेश्चंस के, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो आने बाकी हैं, है ना। बसरते आपको देखो, आपको अगर पीछे की चीज़ें याद है तो ही बना पाओगे, नहीं याद है पीछे की चीज़ें तो नहीं बना पाओगे, है ना। चलो जैसे आ जाओ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 81 पे पावर 1 अपॉन लॉग 3 टू द बेस 5, फिर 27 पे पावर लॉग 36 टू द बेस 9, फिर प्लस 3 पे पावर 4 अपॉन लॉग 9 टू द बेस 7। आपको बताना है कि इन सबको जोड़ने पे आपको क्या मिलने वाला है। पहले 3 मिनट ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं। पहले 3-4 मिनट आप इस पे कोशिश करिए और उसके बाद फिर हम लोग डील करने वाले हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। डू इट फास्ट, बताएं। चलो एकदम ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले इस 81 के ऊपर जो पावर है इसको ऐसे लिखो, 81 के पावर लॉग 5 टू दी बेस 3, अच्छा लगेगा। 27 वाला ठीक है, 27 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 27 वाले को ऐसे ही रहने दो, 27 पे पावर लॉग 36 टू दी बेस 9, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको भी पलटो, लिखो 3 पे पावर 4 इंटू लॉग 7 टू दी बेस 9, ठीक है। चलो बताओ अब हम एक काम करते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 3 9 9 3 27 27 3 81 4, 3 पे पावर 4 लॉग 5 टू दी बेस 3। प्लस 27 को लिखा जा सकता है 3 पे पावर 3 लॉग 36, और 9 को लिखा जा सकता है 3 पर पावर 2, ठीक है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट चल रही है। प्लस 3 पे पावर 4 ठीक है इंटू लॉग 7, और इस 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, समझो एकदम सिंपल। अब बताओ ये 4 ऐसे लिखा जाएगा 3 पे पावर 4 इंटू लॉग 5 टू दी बेस 3, प्लस इसको लिखेंगे 3 पे पावर 3 तो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 आएगा, तो 3 अपॉन 2 लॉग 36 टू दी बेस 3, ठीक है। वैसे यहाँ अगर आते हैं तो 3 पे पावर 4 अपॉन 2 लॉग 7 टू दी बेस 3, यहाँ ये 4-5 के ऊपर जंप करके जाएगा तो 3 पे पावर लॉग 5 पे पावर 4 इंटू 3, प्लस ये उस पे जंप करके जाएगा तो 3 पे पावर लॉग 36 पे पावर 3 बाई 2 टू दी बेस 3, अगेन 3 पे पावर लॉग 7 पे पावर 2 टू दी बेस 3। अब आप जानोगे 3-3 कटेगा लॉग हटेगा, 3-3 कटेगा लॉग हटेगा, 3-3 कटेगा लॉग हटेगा, तो जब ऐसा होगा तो क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा 5 पे पावर 4 प्लस 36 पे पावर 3 अपॉन 2 प्लस 7 पे पावर 2। 5 पे पावर 4 कितना होगा, 25 हो जाएगा। इसको देखो 36 का 6 और 6 पे पावर अगर हम 3 दे दें तो 216, ठीक है। चाचा के 36 छक 216, ठीक है चाचा 36, हाँ ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 49। अब देखो 6 5 11 और 9 20, कैरी 2 2 और 1 3, 3 और 4 7 7 और 2 9, 6 2 8, क्या आंसर आ गया, देखो 6 5 11 9, 20 के 0 कैरी 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9, 6 2 8, 890। सो 890 इज द करेक्ट आंसर, 890 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक था ये। अब आते हैं अगले चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सर ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5th। 6th नंबर क्वेश्चन पे आओ और बताओ भैया क्या कहानी है। देखो 6th नंबर कितना सुंदर क्वेश्चन है, कहता है इफ अगर log a प्लस बी बाई टू, टू दी बेस लगा लो जो मन सो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 अपॉन 2 log a प्लस log b के बराबर है, ठीक है, 1 अपॉन 2 log a प्लस log b के बराबर है, तो कहता है फाइंड
क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन, आपको रिलेशन निकालना है ए एंड बी के बीच। ठीक है, कोशिश करिए, देखिए कि आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो उसके बाद बताओ मेरे को। चलिए भैया आ जाइए, बहुत बच्चों ने बना भी लिया होगा, जिन बच्चों से नहीं बना वो प्लीज यहां ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग ए प्लस बी बाई टू बराबर है वन अपॉन टू लॉग ए प्लस लॉग बी के। मेरे भाई साहब आप इसको लिख सकते हो, ये टू इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ लॉग ए प्लस बी टू द बेस टू, और इसको लिख सकते हो लॉग ए इंटू बी। ये ट्वाइस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, है ना, लॉग इज इक्वल टू लॉग ए बी, लॉग लॉग हटेगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब क्या करेंगे सर, होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ये फोर जाके मल्टीप्लाई होके फोर ए बी हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी जीरो, यानी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, यानी ए बराबर बी। यानी ये सिचुएशन तभी हो सकता है जब ए किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए, है ना, मजेदार सा कॉन्सेप्ट, है ना। चलो बहुत बढ़िया है, इसको उतार लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से उतारिए बच्चों। हो गया होगा, है ना, उतर गया, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, छठे सातवें नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन है इफ अगर ए पर पावर एक्स जो है वो बी है, ठीक, उसके बाद बी पे पावर जो वाई है वो सी है, और उसके बाद सी पे पावर जो जेड है वो ए है, तो क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई और जेड की, किसकी निकालनी है एक्स वाई और जेड की। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग, है ना, आ जाओ एकदम सिंपल सोचो, ए पर पावर एक्स जो है वो बी के बराबर है, ठीक, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इसको लॉग में लिखो, जैसे ही लॉग में लिखोगे एक्स आपका हो जाएगा लॉग बी टू द बेस ए, इक्वेशन वन, ठीक है। उसी तरीके से b पर पावर y जो है वो c है ना, इसको log में लिखो, इसको log में लिखोगे तो आपका y बराबर हो जाएगा log c टू दी बेस b, है ना, इसको इक्वेशन टू मान लो। और इसी तरीके से c पे पावर z जो है वो a है, इसको log में लिखोगे तो हो जाएगा क्या, z इज इक्वल टू log a टू दी बेस c, इक्वेशन नंबर थ्री। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x इंटू y इंटू z, आ जाओ x को y को z को मल्टीप्लाई करो, यानी log b टू दी बेस a को log c टू दी बेस b से और इसको log a टू दी बेस c से मल्टीप्लाई किया जाए। बताइए b b कटेगा, c c कटेगा, a a कटेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1। तो बताओ यहाँ पे x y z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बोलो कोई दिक्कत है, एकदम नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम, बन गया सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका। चलिए इसको भी उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़े बढ़िया क्वेश्चन पे। चलिए इसको उतार के दिखाइए मेरे को। है ना, तो ये सब लॉगरिथम के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है ये सब। चलो एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं बेसिकली, जो आपको घर से बना के लाना है, दो क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही रिमार्केबल है बच्चों, होमवर्क है, इसको ट्राई करो, और कल मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम आपको असाइनमेंट दे देंगे, कोशिश करेंगे कि हम आज ही असाइनमेंट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दें, शाम तक देखना, कहीं डिस्क्रिप्टिव लिंक में आपको एक लिंक मिल जाएगा असाइनमेंट का,
तरह से मिलता है। तो अगर असाइनमेंट का लिंक मिल गया शाम तक, वीडियो तो मैं पहले ही डाल दे रहा हूँ, तो आप उसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर देंगे और हम लोग असाइनमेंट के हिसाब से फिर क्वेश्चंस बनाना चालू करेंगे। तो देखते हैं, आज नहीं तो कल तक आपको असाइनमेंट मिल जाना चाहिए। आइए, क्योंकि अब असाइनमेंट्स बनाने की बारी आ गई है। ये होमवर्क है बच्चों, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। इफ ए पर पावर एक्स इज इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी कराया। इफ एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स बराबर है वाई इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई लॉग वाई और ये बराबर है जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई लॉग जेड के, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट x पर पावर y पर पावर x के बराबर, z पर पावर y पर पावर z के बराबर और x पे पावर z इंटू z पे पावर x, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको घर पे बनाना है। कोशिश करना, आसान है, बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इफ आई मीन दूसरा log 27 टू दी बेस 12 a है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 टू द बेस 6 किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ a, a के टर्म्स में। आपका सबसे पहला ऑप्शन है ट्वाइस 3 माइनस a 3 प्लस a, ऑप्शन नंबर बी है थ्राइस 3 माइनस a 3 प्लस a, ऑप्शन नंबर सी है 4 टाइम 3 माइनस a 3 प्लस a और ऑप्शन नंबर डी है 5 टाइम्स 3 माइनस a 3 प्लस a, ठीक है। तो एक बार इसको कोशिश करो बनाने का, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बनाओ के मेरे को आंसर भेज दो, मेरे नंबर पे भेज दो। मैं फिर से नंबर दे दे रहा हूँ आपको 7970391727, दोनों को बना के भेजो, देखते हैं किसका अच्छा आंसर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। कल या आज शाम को या कल के वीडियो लेक्चर में आपको असाइनमेंट्स मिल जाएगा। असाइनमेंट्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, हम लोग फिर असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे हो बात को। तो अभी तक हमने लॉगरिदम के बेसिक्स को क्लियर कर लिया, ये सब बेसिक्स है। इसके बाद पढ़ना है लॉगरिदम का इक्वेशन सॉल्व करना, कि लॉगरिदम के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमने को पढ़ना है लॉगरिदम की इनइक्वालिटी, और तब पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा यानी लॉग टेबल देखना। तो ये अभी तीन टॉपिक बचे हुए हैं, ये हमने बेसिक्स क्लियर किया, अभी रूल्स पे अपना पकड़ बनाया, फंडामेंटल रूल्स पे पकड़ बनाना है, ठीक है। तो पहले इस पे और पकड़ बनाना जरूरी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने जरूरी है। तो बिना घबराए बच्चों रिवीजन करते रहो, प्लीज रिवाइज करिए, रिवाइज बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तकलीफ होगी, है ना, रिवाइज करिए। मैक्सिमम बच्चों को राइज एकेडमी से जोड़ो, बिकॉज अब जल्दी ही चीजें चेंज अप होने वाली है, धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी, क्लासेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो और अपना काम जारी रखो। आज के लिए इतना ही, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।